हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षा त्रिवेदी है और हर्षास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नान खटाई की रेसिपी। ये नान खटाई हम माइक्रोवेव और कढ़ाई दोनों में बनाएंगे। आप देख सकते हो कि ये नान खटाई बहुत ही सॉफ्ट बनती है, तो आप भी इसको एक बार जरूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, आधा कप पाउडर शुगर, आधा कप घर का देसी घी, आधा चम्मच इलायची का पाउडर, 2 चम्मच सूजी ली है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और थोड़े पिस्ता के टुकड़े गार्निशिंग के लिए लिए हैं। आज हम ये नान खटाई कढ़ाई और माइक्रोवेव दोनों में बनाएंगे। कढ़ाई में बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को हम प्रीहीट कर लेंगे। स्लो आंच के ऊपर कढ़ाई मैंने रख दी है, उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है और अब इस कढ़ाई को हम स्लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। माइक्रोवेव में बनाने के लिए माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड के ऊपर 180 डिग्री के ऊपर ये लो वाला रैक जो आता है वो रख देंगे और इसको हम प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अब नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मैंने घी ले लिया है, उसके अंदर हम जो घर की चीनी होती है उसको ही मैंने मिक्सी में चन कर लिया है वो डालेंगे। अब इन दोनों को व्हिस्क की मदद से हमें 5 मिनट तक बीटना है। ये मिश्रण एकदम फ्लफी ना हो जाए तब तक हमें उसको ऐसे कंटिन्यूअस फेंटना है। दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मिश्रण है एकदम क्रीमी फ्लफी हो गया है। आप जितना इसको ज़्यादा बीट करोगे उतनी ही आपकी नान खटाई सॉफ्ट बनेगी। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। बाउल के ऊपर एक छन्नी रख देंगे, उसके अंदर मैदा, बेसन और सूजी, इन तीनों को हम छान लेंगे। उसके अंदर इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर। अब इन सारी सामग्री को मिक्स करके हमें उसका आटा गूंदना है। आटे में आपको बिल्कुल ही मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसका नरम आटा गूंदना है। अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम सॉफ्ट डो बनके रेडी है। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बेकिंग ट्रे में रख देंगे। इसी प्रकार के मैं सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेती हूँ। अब सारी नान खटाई को मैंने शेप दे दिया है। ये जो प्लेट में है उसको हम कढ़ाई में बेक करेंगे। सबसे पहले सारी नान खटाई के ऊपर हम मिल्क वॉश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट लगाए वो अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम उसके ऊपर पिस्ता से उसको गार्निशिंग करेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर रख सकते हो। अब ये कढ़ाई प्रीहीट हो गई है, उसके अंदर हम ये प्लेट रख देंगे और इसको हम स्लो फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। माइक्रोवेव भी प्रीहीट हो गया है, उसके अंदर प्लेट रख देंगे और इसको हम 17 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब ये नान खटाई माइक्रोवेव और कढ़ाई दोनों में बेक होके रेडी है। इसको हम एक कूलिंग रैक के ऊपर निकाल लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से ठंडी हो जाए। दोस्तों, अब ये नान खटाई बनके रेडी है। आप भी इसको एक बार जरूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।